नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं शिल्पा गुप्ता। देश तो एक है, लोग इस देश में रहते भी एक साथ हैं, लेकिन सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। ये बात फिक्र की नहीं है, फिक्र तो इस बात की है कि सब धर्मों ने अपने अपने रंग, अपनी अपनी भाषाएं भी बांट ली हैं। घर के ऊपर भगवा रंग का झंडा है तो हिंदू है, और हरे रंग का है तो मुसलमान। ऐसे ही अगर उर्दू बोलते हैं तो आप मुसलमान हैं, और संस्कृत बोलते हैं तो हिंदू कहलाते हैं। लेकिन इस बटे हुए लोगों के झुंड में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मजहबी दीवार को तोड़ने के बारे में सोचा है। इनके पास हिंदू मुसलमानों को और सभी धर्मों को एक करने का उपाय है। उपाय भी बताएंगे, पहले जान लीजिए ये महान सोच किस शख्स की है। 75 साल के ये शख्स हयातुल्ला चतुर्वेदी हैं। इनके नाम से ही इनकी ये सोच बयां होती है। ये हैं मुसलमान, पर इनके नाम में चतुर्वेदी भी है। इनका नाम सुनकर ही आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको बता दें, हयातुल्ला को चारों वेदों का ज्ञान होने के कारण सालों पहले उन्हें चतुर्वेदी की उपाधि दी गई थी। 2003 में वो एमआर शेरवानी इंटर कॉलेज इलाहाबाद से रिटायर हुए। साथ ही उन्होंने अरसे तक हिंदी और संस्कृत पढ़ाई, और वो ये ज्ञान बिना किसी पैसे के देते थे। हयातुल्ला कौशाम्बी जिले के छीता हयायपुर के निवासी हैं। अब आपको बताते हैं उनका वो उपाय जिससे सब धर्म एक हो सकते हैं। दरअसल उल्ला का मानना है कि भाषा को मजहब का नाम देकर बांटना नहीं चाहिए। लोग संस्कृत को कोई अहमियत नहीं देते, जबकि संस्कृत ने ही विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत से ही आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि भाषाएं बनाई गई हैं। उनका कहना है, संस्कृत ऐसी भाषा है जो मजहबी दीवार को तोड़कर नए हिंदुस्तान बना सकती है। अंग्रेजों ने साजिश के तहत भारत से संस्कृत को कमजोर कर दिया, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। ये साजिश हमारे नेता भी नहीं समझ पाए और आज भी अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि वेद और कुरान एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ धर्म के ठेकेदारों ने इसे भ्रमित कर दिया है। साथ ही हयातुल्ला का मानना है कि लोग जिहाद का गलत प्रचार कर रहे हैं। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध है, जिसका इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। एक मुसलमान होने के बाद भी हयातुल्ला चतुर्वेदी संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका मकसद सभी धर्मों को एक करना और देववाणी की जरूरत और अहमियत को बताना है। हयातुल्ला की सोच के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।